हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित संदर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हो, क्योंकि आप जब पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने जाते हो तो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच आता है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपका पैन कार्ड में एक डेट ऑफ बर्थ है, वोटर कार्ड में एक डेट ऑफ बर्थ एंड आधार कार्ड में एक डेट ऑफ बर्थ। तो कैसे आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हो, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपली इधर सर्च करना है UIDAI। सर्च करते ही आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। इसमें से सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है UIDAI.gov.in, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि इधर बहुत सारा लैंग्वेज दिख रहा है। इसमें से आपका जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसको आप इधर से चूज़ कर सकते हो। तो मैं इंग्लिश को चूज कर लेता हूँ। इंग्लिश चूज करने के बाद देखिए थोड़ा लोडिंग दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कि UIDAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम आ चुके हैं। अगर आपको इधर आने में कोई दिक्कत होता है तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो इधर आने के बाद आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे तो आप किसी भी ऑप्शन को इधर से क्लिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको माई आधार पे क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद देखिए इधर बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें से आपको अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि वेलकम टू माई आधार करके एक नया पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, राइट साइड में जो लॉगिन वाला पेज है इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि आपका जो भी आधार नंबर है उसको इधर सिंपली एंटर कर देना है। तो मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। सिक्योरिटी रीजन के वजह से मैंने आधार कार्ड का नंबर हाइड कर दिया है। उसके बाद देखिए इधर सिंपली ये जो कैप्चर है इसको आपको सही से इधर फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली इधर जो सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली। एंड आपके मोबाइल में अगर ओटीपी नहीं आया है तो आप 60 सेकेंड के बाद आप फिर से रिसेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं इधर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि राइट साइड में हमारा जो कैंडिडेट है वो लॉगिन हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते ही आपका आधार का जो फ्रंट है वो इधर शो करेगा, उसका नेम डेट ऑफ बर्थ क्या है सब कुछ इधर शो करेगा। एंड इधर देखिए एक ऑप्शन है फ्लिप आधार कार्ड, इस पर क्लिक करके आप आधार कार्ड का बैक साइड भी चेक कर सकते हो, क्योंकि बैक साइड पे आपका एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए सिंपली देखिए इधर नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट करके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि आपके पास तीन ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, अपडेट ऑनलाइन आधार, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट और लैंग्वेज ऑनली अपडेट। तो आपको सिंपली अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि एक नया पेज ओपन हो चुका है। इसमें सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रोसेस टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि इधर एक डेट ऑफ बर्थ करके ऑप्शन है, मतलब आप डेट ऑफ बर्थ अगर अपडेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली इस डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है एंड प्रोसेस टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू अपडेट आधार पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि इधर थ्री स्टेप है। एक है DOB प्रीव्यू एंड पेमेंट, मतलब आपको DOB इधर देना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है एंड आपको एक 50 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता है इधर। ठीक है, तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए इधर देखिए कारेंट डिटेल्स में आपका जो भी आपका कारेंट डेट ऑफ बर्थ है वो इधर शो करेगा। उसके बाद देखिए डिटेल्स टू बी अपडेटेड, इसका मतलब है आप अपना आधार कार्ड में जो भी अपडेटेड डेट ऑफ बर्थ चाहते हो उसको इधर सिंपली एंटर करना है। तो मैं मेरा कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ इधर एंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद देखिए इधर दो ऑप्शन है, एक है मैनुअल अपलोड एंड एक है डिजी लॉकर। इन दोनों तरीकों का मतलब होता है आप अपना डॉक्यूमेंट्स को मैनुअली अपलोड करोगे PDF फॉर्मेट में, अदरवाइज आप डिजी लॉकर से भी इधर अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल इस टाइम हम मैनुअल अपलोड करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो मैनुअल अपलोड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सिलेक्टेड वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि इधर बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, पहले पैन कार्ड से भी ये अपडेट आप करवा सकते थे, लेकिन अभी पैन कार्ड
कार्ड को इधर से उठा दिया है, क्योंकि आप पैन कार्ड से इधर अपडेट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन मिलता है, आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप इधर से चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन नोटिस है, बर्थ सर्टिफिकेट के एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, अगर वो फॉर्म आपके पास है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो चेंज कर सकते हो, 10th या 12th का अगर मार्कशीट है तो उसको दिखा के भी आप चेंज करवा सकते हो। उसके बाद देखिए आपके अगर पेंशनर पर्सन हो आप एक एंड आपके पास पेंशनर का बुक है आप उसको दिखा के भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एक गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें अगर अपना डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको दिखा के भी इधर चेंज कर सकते हो। तो मैं इस सारे ऑप्शन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में से चेक करके आपका जो भी पसंदीदा डॉक्यूमेंट्स होगा उसको कलेक्ट करके उसके बाद ही उसको इधर अपलोड आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इधर से मार्कशीट को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मार्कशीट चूज करने के बाद देखिए एक डॉक्यूमेंट एडवाइजरी करके ऑप्शन आ चुका है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप में मैंने जो भी सिलेक्ट किया है वो आ चुका है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि तो व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते ही देखिए दिखा रहा है कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो मैं इधर कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते ही आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को आप इधर अपलोड करना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट्स को आपको सिंपली इधर से सिलेक्ट करना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो 100% अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इधर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि आर यू श्योर वॉन्ट टू चेंज योर डेट ऑफ बर्थ टू 10th मार्च 1978, तो आपको सिंपली इधर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि एक प्रीव्यू करके पेज ओपन हो चुका है कि हमारा जो चेंज हो रहा है कि न्यू डेट ऑफ बर्थ देखिए इधर दिखा रहा है। उसके बाद आपको सिंपली इस दोनों टर्म्स एंड कंडीशन है इसको सिंपली टिक करना होता है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि एक पेमेंट पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको सिंपली इधर टिक करना होता है एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि एक पेमेंट पेज ओपन हो चुका है, इसमें आप कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं UPI को चूज़ कर लेता हूँ। UPI चूज़ करने के बाद आप इधर देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन मिल गया है, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट इधर कर सकते हो। तो मैं गूगल पे को चूज़ कर लेता हूँ। गूगल पे चूज़ करने के बाद देखिए आपका UPI ID देने के लिए बोल रहा है, तो आपका जो भी UPI ID है सिंपली इधर एंटर कर देना है। UPI ID एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको उसको वेरीफाई करना होता है, तो मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि मेरा नेम दिखा रहा है एंड इधर वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली सिक्योर दिस ऑप्शन, इसमें टिक ऑलरेडी है, आपको सिंपली प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि मेरा गूगल पे जो मोबाइल ऐप है उसमें एक 50 rupees का पेमेंट का एक लिंक जा चुका है। आपको सिंपली गूगल पे को ओपन करना है एंड 50 rupees का पेमेंट उधर कर देना है। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आप देख सकते हो कि एक पेमेंट पेज आ चुका है, इधर दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, मेरा SRN नंबर, पेमेंट डेट एंड टाइम एंड अमाउंट सब कुछ इधर शो कर रहा है। आपको सिंपली इस डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि मेरा एक PDF डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करते आप देख सकते हो कि ये एक पेमेंट रिसिप है, मेरा रिसिप नंबर सब कुछ इधर दिख रहा है एंड मैंने किस लिए अप्लाई किया है सब कुछ इधर शो कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद आप कैसे उस स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपका आधार का जो अपडेट है वो हो गया या अभी भी प्रोसेसिंग में है, वो चेक करने के लिए आपको सिंपली फिर से इस वेबसाइट पे चले आना है। इधर आने के बाद सिंपली देखिए माय आधार पे क्लिक कर देना है एंड देखिए इधर एक ऑप्शन है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि फिर से हम एक ही वेबसाइट पर आ चुके हैं कि वेलकम टू माय आधार, इस पर आपको सिंपली नीचे की तरफ जाना है एंड देखिए इधर एक ऑप्शन है चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते आप देख सकते हो कि चेक आधार स्टेटस का एक नया पेज ओपन हो चुका है एंड आपको सिंपली इधर आपका SRN नंबर देके एंड कैप्चर देके आपको सिंपली सबमिट करना है। तो हमने जब पहले अप्लाई किया था तो हमको एक SRN नंबर मिला था जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप में ही आपको मिलता है,
है, ठीक है। उस SRN नंबर को सिंपली आपको इधर इंटर कर देना है। SRN नंबर इंटर करने के बाद आपको सिंपली इधर जो कैप्चर है उसको सही से फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते आप देख सकते हो मेरा जो एप्लीकेशन है वो अभी फिलहाल वेरिफिकेशन स्टेज में है। तो ये होने में आपको 3 to 30 days का समय लग जाता है ये अपडेट होने में। तो ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना। एंड आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।